तो गाइस यार आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं क्या बना रहा हूँ। तो गाइस जानते हैं आप लोग कि ठंडी का दिन आ चुका है और गाइस ठंडी के दिनों में हमें गर्म पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है और गर्म पानी करने के लिए सिंपली हमें हीटर या फिर आग की ज़रूरत होती है। गाइस अभी तो मॉडर्न युग आ चुका है तो सब लोग हीटर यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस आज हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक बनाया जाए देसी जुगाड़ का हीटर। तो गाइस आज सिंपली आपके सामने है ये एक देसी जुगाड़ का देसी हीटर। गाइस तो आज इसी हीटर की मदद से हम लोग किसी भी पानी को गर्म कर सकते हैं। तो आज इसी हीटर की मदद से हम लोग चाय बनाने वाले हैं। जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, हमने एक चाय बनाना है। तो गाइस आपको ज़रूर से ये आइडिया पसंद आया तो आप ऐसा कुछ भी कहीं पर भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस अब हमारा ये हीटर रेडी हो चुका है और सिंपली इसको बनाने के लिए हम लोगों ने दोनों यहाँ पे दो ब्लेड लिया है और दोनों ब्लेड में एक एक गाइस वायर अटैच कर लिया है और सिंपली यहाँ पे माचिस की जो कांडी होती है उसको हम लोगों ने बीच में लगा दिया, जिसके कारण कि यहाँ पे एक दूसरे में सटे नहीं। और गाइस ये जो है सिंपली अब रेडी हो चुका है और हमें जो भी पानी गर्म करना होगा तो गाइस हम सिंपली नॉर्मली कर पाएंगे। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक बाउल है प्लास्टिक का जिसमें हम लोग डालने वाले हैं। आप लोग कांच का बाउल यूज कीजिएगा और लोहे का तो गाइस मतलब यूज कीजिएगा मत, आप ट्राई ही मत कीजिएगा इसको। तो गाइस अब सिंपली अब इसमें पानी को डालते हैं पहले, उसके बाद दूध को डालेंगे। तो पानी डालते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सिंपली अब पानी डाल लिया है और अब यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद और दूध को गाइस थोड़ा गर्म हो जाने के बाद ही डालेंगे या फिर जैसे चाय बनाते हैं। तो चलिए इसमें अब सिंपली यहाँ से जो वायर है इसको बोर्ड में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करो संभाल के। तो गाइस जब यहाँ पे इसमें करंट आ चुका है और यहाँ पे दोनों वायर में अभी करंट है तो आप ऐसा देख लीजिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। तो आप ऐसा कभी भी ट्राई करने की सोचिएगा भी मत गाइस। तो चलिए अब इसके अंदर डालते हैं इसको, थोड़ा पानी डालो, पानी डालो और डालो पानी। नो बस बस और थोड़ा भरा, और ज़्यादा हो गया हो रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं अब ब्लेड के पास पास में कहीं कहीं पर गाइस बुलबुले लग रहे हैं, जिसका मतलब कि हमारा पानी जो है गर्म है होना स्टार्ट हो गया और हमारा हीटर जो है 100% काम कर रहा है। तो इसको अब थोड़ी देर छोड़ते हैं, उसके बाद ये गर्म हो जाता है तब आपको यहाँ पर तब तक टाइम लैप्स देखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना तेज में हमारा जो पानी है गर्म हो रहा है और यहाँ पे हमारे ब्लेड के सामने छोटे छोटे बुलबुले गाइस बन रहे हैं और ब्लेड से बहुत सारे छोटे छोटे बुलबुले बाहर भी निकल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो पानी है कितना तेज में गर्म हो रहा था। सिंपली अब चलिए इसमें दूध को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर इसमें ब्लेड को डालते हैं। चलिए दूध डालिए इसमें। तो गाइस हमारे पास ये है दूध, तो इसको सिंपली अब डालते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पे पूरा रेडी हो चुका है और सिंपली अब हमारा जो ब्लेड है आप देख सकते हैं ब्लेड का कंडीशन ये येलो थोड़ा सा हो रहा है, शायद से आपको अभी नहीं देखे क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम हो गई है। तो चलिए अब फिर इसको डालते हैं और देखते हैं कि ये कितने देर में उबलने लग रहा है। A few moments later. गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ से वाष्प जो है निकल रहा है गाइस, वेपोरेट यानी कि हो रहा है। तो सिंपली अब इसमें डालते हैं चाय पत्ती और उसके बाद इसमें चीनी डालते हैं, दोनों एक ही बार मिक्स करते हैं, उसके बाद गाइस और देखते हैं कि हमारा जो चाय है वो बनने में कितना टाइम लगता है। तो चाय पत्ती डालो। ओ माय गॉड गाइस अब चाय पत्ती भी डल चुका है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को प्यारा सा लग रहा है, चाय जो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तो अभी देखते हैं कि कितना देर में ये बनता है। चीनी डालो, ज़्यादा मत डालना, बस रहने दो। और गाइस अब इसमें चाय में का सारा मटेरियल अब रेडी हो चुका है। एक सिंपल चाय के लिए जो मटेरियल चाहिए चीनी और चाय पत्ती दूध, तो गाइस सब कुछ अब सिंपली जो इजी चीज़ होता है वो यहाँ पे डाल चुके हैं। तो अब सिर्फ वेट करते हैं और गर्म होने का और ऑलमोस्ट हम लोग को 1.5 मिनट लगभग हो चुके हैं इसको डाले हुए। तो अभी देखते हैं कितने देर में ये गर्म हो जा रहा है।
तो गाइज अब हम लोगों ने चाय बनाया था, लेकिन हमने पहले ही बोला था कि शीशे में बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास शीशे का कोई बाउल नहीं था, तो हम लोगों ने प्लास्टिक के बाउल में ही बनाया था। और यहाँ पे बाउल जो है थोड़ा सा पिचकने लगा, और चाय लेकिन हमारी यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, और चाय पत्ती भी यहाँ पे गिर रहा है। तो अब यहाँ पे तो कोई भी चीज़ टच करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हमारा ब्लेड का जो गाइज हाल है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका है। गाइज आपने देखा कि हम लोगों ने दो नए नए ब्लेड लिए थे, और हमारा जो ब्लेड है अब यहाँ पे पूरा एकदम काला काला हो चुका है। और गाइज हम लोगों ने सिंपली अब यहाँ से निकाल दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसका क्या कंडीशन है। और चाय जो है अब रेडी हो चुकी है, तो चलो इसको अब छानते हैं, उसके बाद पीकर टेस्ट करते हैं। चलो आराम से। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गर्म हो गया था कि हमारा जो बाउल है ये भी पिघलने लगा। तो हमारा हीटर जो है इसे तो एकदम कंफर्म पता चलता है कि 100% वर्क कर रहा है। और चाय जो है हमारी रेडी हो चुकी है, और ज़्यादा ही ज़्यादा राजा ने चाय भर दी थी। गाइज ऑसम, बहुत ही मीठी है। और गाइज ये चाय जो है बहुत ज़्यादा मीठी है और सही लग रही है। हम लोगों ने परफेक्ट बनाया था, और हमारा ब्लेड का है जो यहाँ पे बुरा हाल हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हीटर काम तो करता है, लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ जो मेटल जुड़ा होता है वो उसका कितना बुरा हाल कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से करिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से करिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देगा, क्योंकि मजेदार।